बिना मतलब का अभियान ना करवाओ, बिना मतलब का अभियान ना करवाओ, टकराव पैदा ना करो। टकराव में हमारा एक एक किसान भाई पहले ही शहीद हो चुका है खनौरी बॉर्डर पे। मारा जो भाईचारा, अरे रुक जे भी काका, हो जिए वो तैयार बैठे से रुक जे, मेरे भी कहने में कि हुण मौका हो चुको जी। मेरी प्रार्थना है हम अपनी तरफ से, सारे किसान भाइयों का भी मेरी प्रार्थना, आंदोलन जीते जाते त्याग से हुण पड़ से। त्याग का मतलब होता है पुलिस वाला लाठी चलावे, लाठी खानी है, डला नहीं चलाना, डला चलावे डला खाना है मानना नहीं। क्योंकि अगर अपना लाठी आज बरसाई, हमारे सौ भाई अगर लाठी लागी तो तड़का सारा का सारा हरियाणा अपना गला होगा, और जब आप लड़ांगे तो तड़का लोग नहीं कहेंगे ये तो आंदोलन में खराब कर लिए थे, जो से साहब वह भी घट जाएंगे। एक बात तो यह आओ मैं भाई किन्नर मोड़ पर ट्रैक्टर रोक रखे, दूसरी बार सूचना आई मेरे पास, सीआईडी वाले भाई और सिक्योरिटी वाले भाई कृपया करके अपने अधिकारी को अफसर को कह दो, हमने हर संभव कोशिश करांगे कि टकराव तो बचा, हर संभव कोशिश, एक खरूच भी किसान का नहीं आवे, और लेकिन जावांगे जरूर भाई, मारे ट्रैक्टर लाड़ दो, हमने ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमने तारा मैं को खैड मार कर वहां भाई अंदर जाना पड़े, ऐसा काम ना करवाऊंगा। खनौरी बाजरे की काल है, यहां से हम खनौरी की तरफ जाएंगे, वो परमात्मा की मर्जी, कड़े तक हमने जान देगा कड़े तक नहीं जान देगा, खनौरी की तरफ जावा। और सारे किसान भाइयों ने मेरी प्रार्थना भाई, यो लो लांदोरी नूने देखो, नूने देखो, इसका मतलब डर गए प्रशासन, ये समझता वह डरते हैं, नू देख का एक से एक ईश्वर एक चुटकला कहा करता, ईश्वर वजनी एक चुटकला कहा कर, खास कर जब संघर्ष की तैयारी हो, बोला कर हाथ आऊंगे कर पर लख कर कैश खोप मार गड़ूंगा काट दूंगा, देखा मैंने कौन से मैं नू कर जाने, और पुलिस दिखते नहीं कहेंगे बटे पुलिस वाले आ गए, एक बार तो तला दर्द देगा खोद नहीं, और फिर जो घड़े दिख जाए बटे सह भी घड़े ओड़े छोड़ देगा, ओ आला करो रुक दे भाई रुक दे, मेरे तरह सिर में खटा ना करा, जब मैं गदर बेचारे का तीन दिन हो गए मेरा घूट मारा और मैं पाऊंगा। एक बात बताई भाई, आके कमेटी हमें कल के को आके कमेटी वाले भाई चलेंगे, कोई भी बीच में नहीं आओगा, और दारू तो पड़े भाई यहां तो प्रार्थना ट्रेली में बैठ लियो भाई, हमें किसी का रोड़ा दंगा करवा के किसी का सिर फड़ुआ नहीं आ रहे भाई, आंदोलन में सहायता कर जाओगे भाई जान, इसलिए मेरी प्रार्थना है। एक तो यह भाई, अगर आप न्यू आंदोगे तो करोड़ का चुगर था, इसका मतलब वो लिख के दे देंगे बाइटर गए तो, और जब तरीके से बैठोगे यहां जो भाई बोल रहा उसकी बात भी सुनोगे गाने भी सुनोगे अपने भाइयों की बात देखांगे जो काम में चल रहे हैं, तो समझो आप बहादुर लोग हो तैयारी में। सिर्फ दो बात ये बार बार बालक प्रार्थना कर रहे आप लोगों से, मैं पंडाल में आओ पंडाल में आओ, कोई इनकी सुने नहीं रहा, ये कोई तरीका नहीं, आंदोलनकारी नहीं की बात नहीं है, ये आपका मनोरंजन करवाने लग रहे हैं, आपे जो कामों में अपने काफले चल रहे हैं उनकी इंतजार कर रहे हैं, जब सारा भाईचारा आ जाएगा, दो बजे का अपना टेंट रखे ना, दो बजे तक किलो वाट तक कुर्ती तोड़ क्यों बचा रहे हो, दो बजे टाइम नहीं हुए दरिया था काम कट्ठा, जो आठ बजे होने लग गए पहला तो काम में 10 बजे इकट्ठा हुआ, फिर एक घंटा में विचार में ब्रेस हो, घंटा लैग जेब राशन पानी तैयार करने में, घंटा लैग जेब पीसा देना करने में, दो बजे का पहला कोई नहीं आ उस बंदा, इसलिए मेरी प्रार्थना भाई दो बजे का अपना समय है, सारे भाइयों ने इकट्ठे होने दो, मैंने सोचा तो मनस्सी घट से मेन से आदमी कोई मैं ट्रैली तैयार करवाना, तरपाल खेचने लगे ऐड आया करते नहीं आप, ऐड तो नहीं था आगे और भी गए भाई करा, लेकिन याद तो नहीं मेरा है ना आके
इसलिए अपनी तैयारी करवाने लग रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख गए हो मैं माफी चाहूंगा। एक बार सिक्योरिटी वाला भाई जरूर आवा मेरे तरह भाई, सिक्योरिटी वाला भाई, सिक्योरिटी वाला जो एसपी सिक्योरिटी, एसपी सिक्योरिटी का कोई भाई हो रहा है एक बार जरूर आ जाओ स्टेज का। हेलो एसपी सुधीर, एसपी सिक्योरिटी वाला कौन है भाई? एसपी सिक्योरिटी वाला उठी जरूर भेज दो। मारे तो ट्रैक्टर रोकने लग रहे नहीं, ये चीज मारा बर्दाश्त नहीं है। रोला अगर रोला होया तो सिक्योरिटी वाले जिम्मेवार होंगे भाई, एसपी सिक्योरिटी, क्योंकि हरियाणा पुलिस रोक रही है ना। इसलिए अरे भाईचारा में इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरी एसपी साहब से ही प्रार्थना है, हमको जन्मदात दुश्मन नहीं है, ना आप हमारे ना हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, हम आंदोलनकारी है। आपका काम है कानून व्यवस्था संभालना है, बिगड़ना नहीं। ये पांचवा दिन हो गया ब्याह दरवाया नहीं आपने, दरवाया ही मैंने गिरफ्तार नहीं कराया, तो कड़ा धरना था। इसलिए मेरी प्रार्थना बात ने बिगाड़ा ना लंबा, हमें बॉर्डर काम जान लग रहे हैं और उन्हें जान दे। धन्यवाद भाई, जय भगवान, जय राम जी।